YouTube चैनल शिवू व्लॉग्स। माय नेम इज शिवम जॉय बट यू गाइस कैन कॉल मी शिवू। और गाइस आज मैं आया हूँ PW के मेगा ओरिएंटेशन सेशन में। यहाँ पर जो है हजारों बच्चों की भीड़ आई हुई है। बहुत सारे बच्चे जो न्यू अपकमिंग बैचेस में ज्वाइन किए हैं वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे एक साथ आए हुए हैं। बहुत सारी भीड़ जो है यहाँ रखी है। एंड मैंने लिटरली सच बताऊँ तो मैंने पहला ऐसा ओरिएंटेशन सेशन देखा है जिसमें इतने सारे बच्चे जो एक साथ आए हुए हैं। तो चलिए अभी चलता हूँ और आपको पूरा का पूरा मेगा सेशन दिखाता हूँ। और मैं अभी बाहर आके बात कर रहा हूँ बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है, इसलिए मैं बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ। अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा मेगा ओरिएंटेशन सेशन। रॉकेट साइंस नहीं है कि यार आपको 12 घंटे पढ़ने 15 घंटे पढ़ने। आप लोग ऐसा वैसा कोई इंटरव्यू सुन लेते हो तो आपको लगता नहीं IIT बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे पढ़ाए हैं, उनको IIT तक पहुंचाया है। समझ में आया क्या? तो आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यूअस, आप मान के चलिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 घंटे डेली पढ़ने, 7 से 8 घंटे डेली पढ़ने, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं और 7 दिन पढ़ने। ऐसा ना हो कि आपने 5 दिन पढ़ा, 6 दिन पढ़ा, 7वें दिन आपके पेरेंट्स आ गए, ब्रदर मिलने आ गए और आप उनको मॉल घुमाने ले गए और आप होमवर्क नहीं कर पाए। अगर आप होमवर्क नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। आप समझ आ रही है क्या? तो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत वो सुजान, रसरी आबत जात के सिल पर पड़त निशान। कि अगर आप कंटिन्यूअस एक रस्सी को सिल के पत्थर पे रगड़ते हैं तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, और पानी की बूंदे अगर लगातार पत्थर पर एक ही जगह पड़े तो पत्थर पर भी सुराग बन जाता है। दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एवरेज भी है, जरूरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हो, अगर आप एवरेज भी है तो भी आप बड़े आराम से IIT में बहुत अच्छी रैंक निकाल सकते हैं। और कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी है वो भी थोड़ी बहुत मैं बोल देता हूँ। सो गाइज अभी जो है PW का ओरिएंटेशन सेशन कंप्लीट हो गया है और अभी हमारे साथ हैं PW विद्यापीठ के सेंटर हेड कुंदन सर। तो अभी हम सर से जानेंगे, सर कैसा क्या ये ओरिएंटेशन सेशन रहा? सर बहुत ही धमाकेदार ओरिएंटेशन रहा, इससे धमाकेदार की हमें उम्मीद ही नहीं थी। हमने जिनको जिन बच्चों को बुलाया, जिनके पेरेंट्स को बुलाया, उनका पूरा सहयोग मिला। 4000 से ज़्यादा की भीड़ आई हमारे पास। हमारे पास SP साहब आए, कलेक्टर साहब आए, उन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और बच्चों को मोटिवेट भी किया। हम लोग की पूरी टीम बच्चों के रिजल्ट के लिए पूरी जान लगाने के लिए तैयार हैं। वो उनको टेंशन नहीं लेना है, हम लोग हैं उनके साथ। तो सर अभी ये जो इतने सारे स्टूडेंट्स सर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, तो सर सिर्फ ये इतने ही स्टूडेंट्स हैं या फिर अभी और भी बैच स्टार्ट होने वाले हैं? सर ये हमारा तो केवल फेज 1 है, केवल फेज 1 है। अभी तो हम लोग फेज 2, फेज 3, फेज 4 तक 11th के एडमिशन लेंगे। हमारा पूरा ओरिएंटेशन आज केवल 11th के बच्चों का था। अभी ड्रॉपर का भी है, 12th का भी है, JEE NEET फाउंडेशन का भी है। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ, मोर देन 16,000-18,000 बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पर कोटा विद्यापीठ केवल में। अभी तो ये फेज 1 है, हमारा पूरा टारगेट है जिस तरीके से बच्चों का प्यार मिल रहा है हम उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। थैंक यू। तो सर अभी ये जो सिर्फ 11th क्लास का जो बैच है उनके स्टूडेंट्स अभी आए हुए हैं, तो अभी आप देख सकते हैं अभी सिर्फ 11th के इतने सारे बच्चे आए हुए हैं। अभी 12th क्लास के और फिर ड्रॉपर्स बैच भी आना अभी बाकी है और फाउंडेशन के डिवीजन के भी बच्चे आना बाकी है। और काफ़ी अच्छा जो है ये सेशन जा रहा है। और सर अभी जैसे PW के यहाँ पर सर 1 साल कम्प्लीट हो गया है, तो सर कैसा क्या रिस्पॉन्स आया उसका? सर देखा जाए 1 साल तो नहीं हुआ है, केवल 8 महीने हुए हैं। हम लोग लास्ट ईयर जुलाई में आए थे और जुलाई में हम लोग 5000 बच्चों सोच के आए थे। 30,000 बच्चों का प्यार मिला, बिल्डिंगें बनी, बिल्डिंगें ली गई, टीचर हायर किए गए, बहुत सारे हॉस्टल ऑक्यूपाई किए गए। इस साल हमारा टारगेट उससे बहुत दूर का है। 30,000 क्या, ये बहुत दूर तक हम लोग जाएंगे। और इस तरीके से बच्चों का प्यार रिजल्ट के फॉर्म में हमें मिलते रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग PW विद्यापीठ कोटा के नाम से जाना जाएगा। ओके सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।